मिशन चंद्रयान 3 लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। देशवासी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। टू वे कम्युनिकेशन के होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। हालांकि अभी तक सब कुछ सामान्य है, फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। प्रोपल्सर मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को लगभग 157x167 किलोमीटर की कक्षा में था। वह अभी 113x113 की ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको 100x30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। इसरो के मुताबिक इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 17:32 के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 17:32 होंगे जब लैंडर और रोवर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। 17 minutes of terror जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं वो है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ बैठे बैठे हम पूरा वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का, तो उसमें कहीं अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, जो कि ऐसी संभावना काफ़ी कम है, बट फिर भी स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है, तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते। कोई भी सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग होता है या कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होता है, बट इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा फेलियर को ध्यान में रख किया गया है। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे, यानी लैंडिंग के आखिरी 17:32 के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर जानकारी जुटाएगा। लैंडिंग के दौरान बड़ी मात्रा में उड़ने वाली धूल के कारण सेंसर भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए प्रज्ञान रोवर 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा। चांद पर किसी भी तरह का GPS नहीं होता है, इस स्थिति में अंतरिक्ष यान किसी सतह पर उतरने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि विक्रम लैंडर को खुद से ही सभी चीजों की गणना करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी। दरअसल लैंडिंग से पहले 384,400 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा को भी समझना जरूरी है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी मशीन के असफल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। एक वजह यह भी है कि पृथ्वी पर वापस लौटते वक्त अंतरिक्षयान ग्रह के घने वातावरण पर निर्भर रह सकता है, यानी इसकी मदद से यान को जरूरी घर्षण मिलता है और वह सुरक्षित तरीके से उतर सकता है। ऐसे में चांद पर लैंडिंग के वक्त प्रोपल्शन सिस्टम ही यान की मदद करता है। अगर आसान भाषा में समझें तो यान को अपने साथ काफी ईंधन ले जाना होगा ताकि वह लैंडिंग के दौरान रफ्तार को कम कर सके। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान सबसे अहम चीज अंतरिक्षयान की दिशा होगी। दरअसल लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में अभी इसकी स्पीड करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो और कम होगी।
जाहिर है अब सबकी नजरें 23 अगस्त पर टिकी हैं, जब भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।